नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कमजोर दिमाग को तेज बनाए, 30 दिन में ही कंप्यूटर को भी फेल कर दोगे। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति अपना दिमाग को तेज करना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कैसे करें। कुछ लोग याद करने में बहुत तेज होते हैं, क्लास में फर्स्ट भी आते हैं, पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि वो याद नहीं करते, केवल रट लेते हैं। उन्होंने उस चीज को समझा ही नहीं, उसके बारे में चिंतन ही नहीं किया, केवल रटा और क्लास में फर्स्ट आ गया। और सर मैडम भी उसी बच्चे की तारीफ करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, लेकिन हम मीडियम बच्चे जो पढ़ते हैं वो अच्छे से समझते भी हैं, वही भविष्य में हमको सफलता प्राप्त करवाता है। आपने दुनिया के बहुत सारे लोग देखे होंगे जो क्लास में फेल भी हुए हैं, वही आज बड़े बड़े बिजनेसमैन सेलिब्रिटीज हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही तेज दिमाग करने के टिप्स देंगे, कुछ भोजन बताएंगे और ऐसे चीज बताएंगे जिसको आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए, फर्स्ट नंबर पर है सोच। आपकी सोच डिपेंड करती है कि आपका दिमाग कैसा होगा। आपकी सोच बहुत छोटी होती है। आप सोचते हो एक घर हो, एक गाड़ी, बीवी, बच्चा, बस यहीं तक आपकी सोच है और यहीं तक आपका दिमाग। आप सबने यह तो सुना ही होगा, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ऐसे ही भारत के नौजवानों के अलग अलग प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। जैसा आप IPS या IAS बनना सोचते हो, तो आपने यह बात नोटिस करी होगी कि हम एकदम IPS की तरह ही सोचते हैं। हमारा दिमाग एकदम से बहुत तेज हो जाता है, पर जब सोचना छोड़ देते हैं तो दिमाग फिर से डाउन चला जाता है। अगर हम सारा ही दिन ऐसा सोचे तो हमारा दिमाग हमेशा तेज और एक्टिव रहेगा। ऐसे ही सोचते सोचते आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनका दिमाग तेज क्यों होता है? यही कारण है कि वो वैसे ही सोचते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। आपके दिमाग में अगर दिन भर बड़े बड़े विचार आते रहते हैं, अच्छा सोचते हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। जो पुस्तक आप 10 दिन में याद करते थे वो केवल 3 से 4 दिन में ही कर दोगे, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। जब आपका ध्यान पूरी किताब में ही रहेगा तो सीधी सी बात है, जल्दी से जल्दी याद होगा। सेकेंड नंबर पर ध्यान। ध्यान बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। आप अपने माइंड का टेस्ट करना है कि आप कितनी देर तक एक ही चीज़ के बारे में सोच सकते हो, वही आपका माइंड कंसंट्रेशन होगा। जिस दिन यह आपका 5 से 6 मिनट के पार चला गया तो आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें तो कंप्यूटर से भी तेज दिमाग करना है। भाई, वो तो पहले से ही हो रखा है, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं करते अपने दिमाग का। हम निठल्ले रहते हैं, हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कर सब सकते हैं। हमारा दिमाग कंप्यूटर से तेज कैसे है? कंप्यूटर को तो बनाया ही मनुष्य ने है, कंप्यूटर ने मनुष्य को थोड़ी ना बनाया। तो हो गए ना आप कंप्यूटर से तेज। दोस्तों, आप इतना सोचो कि हम कर सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हम यह नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पर है ब्रह्मचर्य। बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बल पर ही ऋषि प्राचीन काल में विद्वान बने थे। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो भी ब्रह्मचर्य के बल से ही थे। वाल्मीकि ऋषि और वेद व्यास ऋषि, जिन्होंने रामायण और महाभारत की संपूर्ण घटना लिखी, सब ब्रह्मचर्य के ही बल पर। जब आप ब्रह्मचर्य करोगे तभी तो अच्छा सोचोगे, और जब अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग तेज होने लगेगा। अगर आप वीर्यनाशी हो तो आपको दिन भर गलत विचार आते हैं, जिससे आपका जो दिमाग था वो और कमजोर हो गया। आपने देखा भी होगा, जो बच्चा 8th, 9th, 10th क्लास में तक फर्स्ट आता था, वो धीरे धीरे पीछे हटता जाता है। उसका मुख्य कारण है वीर्यनाश, वो गलत आदतों में पड़ जाता है। ऐसा युवाओं का तो कमेंट भी बहुत आता है कि हम पहले बहुत होशियार थे, लेकिन वीर्य नाश कर करके मंद बुद्धि हो गए हैं। वीर्य ही जब हमारी नाभि के क्षेत्र से निकलकर मस्तिष्क की ओर बढ़ता रहता है, इसे ही ओज बोलते हैं, और इंग्लिश में ब्लेस्ड माइंड। जैसे स्वामी दयानंद को कोई भी पुस्तक पढ़ने को दे दे तो 1 से 2 घंटे में ही पूरी याद कर लेते थे। ब्रह्मचर्य से ही उन्होंने ओज प्राप्त कर रखा था। आप भी कर सकते हो, बस जरूरत है ब्रह्मचर्य की, अच्छे विचारों की, पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबका दिमाग तेज नहीं होता, जो करता है उनका ही होता है। 1 से 2% लोगों का ही दिमाग तेज होता है, हर किसी का दिमाग तेज नहीं होता। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना, क्या नहीं सोचना। आपको गलत विचार, निगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आने हैं। आपने कुछ अच्छा करना सोचा, अभी सोचा ही है, किया नहीं, अंदर से आवाज आई होगा या नहीं, तभी आपका दिमाग कमजोर हो गया और उस काम का विचार निकाल दिया। आपको अपने दिमाग के अंदर गलत विचार आने ही नहीं देने। गंदे और अश्लील विचार तो आपके दिमाग को डिप्रेशन में भी डाल देते हैं, जिससे आपका दिमाग कमजोर हो जाता है और आपका दिमाग तेज नहीं हो पाता। आप सोचते रहते हैं कि हमारा दिमाग तेज क्यों नहीं हो रहा। अब
बात करते हैं हम क्या खाएं जिससे हमारा तेज दिमाग हो। फर्स्ट नंबर पर है हरे पत्तेदार सब्जियां। इनमें विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी आदि पाए जाते हैं जो कि ब्रेन सेल के निर्माण में सहायक होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग सलाद, रायता, सूप आदि में भी हो सकता है और आप सब्जियां बना के अलग से भी खा सकते हो। सेकंड नंबर पर है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो कि दिमाग की कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। टमाटर का उपयोग सब्जी, सूप व सलाद के रूप में किया जाता है। थर्ड नंबर पर है साबुत अनाज। साबुत अनाज कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन व मिनरल्स का भंडार होते हैं। फोर्थ नंबर पर है केला। केले में कार्बोहाइड्रेट व पोटेशियम पाए जाते हैं जो कि ऊर्जा के स्तर को नियमित बनाए रखने में सहायक होते हैं। फिफ्थ नंबर पर है दही। दही में प्रोटीन व कैल्शियम के साथ साथ डायरोसिन अमीनो एसिड होता है जो कि ब्रेन पावर बढ़ाने में सहायक होता है। सिक्स्थ नंबर पर है सूखे मेवे। बादाम, पिस्ता, अंजीर, खुमानी, एवोकाडो, अलसी, अखरोट, सूरजमुखी के बीज याददाश्त बढ़ाने में सहायक होते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से अपना दिमाग तेज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए सहायक हो।